ओके सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हम फोन पे से किसी भी व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं और पेमेंट ट्रांसफ़र करते समय कभी कभी होता क्या है, फेल हो जाता है ट्रांजेक्शन, यानी कि पेमेंट उनके पास नहीं पहुँचता है और हमारा पैसे कट जाते हैं। इस पैसे को हम रिफंड कैसे ले सकते हैं, आज के वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ़ोनपे से किसी व्यक्ति को 4000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे थे 2 दिन पहले, पेमेंट जो हमारा फेल हो जाता है और हमारे अकाउंट से पेमेंट जो है कट भी जाता है लेकिन पेमेंट हमारा रिफंड नहीं होता है। तो इसको रिफंड लेने के लिए आप लोगों को करना क्या है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं ये पेमेंट हमारा ट्रांसफ़र करते समय आखिर में फेल हो क्यों जाता है। कभी कभी क्या होता है जब हम पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। इसके बाद या फिर हम जो UPI पिन कोड जो सेट किए होते हैं या फिर रॉन्ग डालते हैं तो भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे अकाउंट में पेमेंट भी होता है और UPI जो पासवर्ड है वो भी मैं सही डालता हूँ, सही डालने के बावजूद भी कुछ टाइम के लिए प्रोसेस में होता है और इसके बाद ये ट्रांजेक्शन जो है हमारा फेल हो जाता है, यानी कि पेमेंट उनके पास जाता ही नहीं है और हमारा पैसे जो है कट जाता है। तो इस केस में आप लोगों को करना क्या है, सिंपल जैसे ही देख सकते मैंने ये ट्रांसफ़र किया था तो ये पेमेंट हमारा फेल हो गया था, लेकिन इस पेमेंट को मैंने आखिर में रिसीव कैसे किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, ये पेमेंट जो है हमारा 2000 रुपये वापस आ चुका है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। ये वीडियो यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 4000 रुपये हमारा जो कटा था वो रिवर्स हो चुका है, यानी कि हमारे अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया गया है। आखिर में मैंने एक कैसे किया था, सिंपल देख सकते हैं मैंने फोन पे ओपन कर लिया हूँ। जब भी आपका ट्रांजैक्शन फेल होगा और पेमेंट आपको कट जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेना है, यानी कि 1 से 2 घंटा। यदि पेमेंट आपको पेमेंट जो है आपका रिफंड नहीं आता तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल ये देख सकते नीचे का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते यहाँ पे हेल्प योर व्यू टिकट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा सैलेंडर योर पेमेंट 4000 रुपये फेल। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से हमारा पेमेंट जो है फेल हो गया। तो यहाँ पे वहाँ ऑटोमेटिक आपका फोन पे से रिप्लाई आता है हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा मनी हैज़ बीन माई लेफ्ट अकाउंट। इसके बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिक वहाँ से हमारा रिप्लाई आता है कुछ धमन जो है बिल्कुल सेफ है। इसके बाद देख सकते मैंने एक टिकट नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया जाता है फ़ोनपे की तरफ से और यहाँ पर बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर में है जो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए जाएगा। लेकिन हमारा पेमेंट जो वापस आया था 2 दिन बाद आया था, क्योंकि मेरा पेमेंट जो था संडे को कटा था, वो संडे को ऑफ होता है। इसके बाद सोमवार को इसने फोन पे मैंने एक फीडबैक भेजा था, फीडबैक भेजने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मंगलवार को यानी कि 2 बजे के आसपास हमारा पेमेंट जो है 4000 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को अभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग यहाँ से टिकट नंबर जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी जल्दी पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।